नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से आज लेके आया हूं प्रीत विहार में चड्डा मोटर पे। और जो आज का स्टॉक रहने वाला है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली रहेगा, लो बजट रहेगा, और ऐसा जो आपकी पॉकेट पे ज़्यादा भारी ना पड़े। तो एक एक करके सारी गाड़ियों की डिटेल ड्रिवन दूंगा, थोड़ा सा मैं दे दूंगा। छोटी छोटी गाड़ियाँ मेरे पीछे, सेंट्रो खड़ी है, i10 खड़ी है, सियाज, बलेनो और स्कोडा और i20, तो मिक्स सेगमेंट रहेगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और मुझसे बात करने के लिए आप न्यू टू एक्सप्लोर का इंस्टा हैंडल ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बुला लेते हैं चड्डा मोटर से पाजी को, चड्डा जी को। चड्डा जी आइए, नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से सर आपका। सर, आज जो आपने छोटा छोटा गाड़ियाँ दिखा रहे हो, आज लो बजट गाड़ी में आपके यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, आपके यहाँ गाड़ी जो मिलती है ना, बिल्कुल न्यू कंडीशन मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या डिटेल है, इसी से शुरुआत कर देते हैं आज। ये 2006 मॉडल है, ठीक है, सेंट्रो कार है, टॉप मॉडल, चारों पावर विंडो वाली है। ओके, 91,000 जेन्युइन चली हुई है। 91,000 जेन्युइन, सिंगल एंट्री में कार है। ये भी हमारे से उन्होंने क्रेटा कार परचेज करी है, तो कह रहे पुरानी कार है, मैं आपको देके ही जाऊंगा। अच्छा, ये एक्सचेंज में आई है। एक्सचेंज में आई है, तो आप, इसलिए एक हमारे पास ये पुरानी कार है। अगर मैं देख रहा हूँ उसमें आपने कुछ भी नहीं, कुछ भी जैसी आई है जैसे वो छोड़ के वैसे ही खड़ी कर दी। जो स्क्रेच जैसे पड़े हुए थे वैसे ही है, जो भी है ओरिजिनल कंडीशन है ये, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, सरदार जी की गाड़ी भी ओरिजिनल है। नंबर आपके सामने, डिटेल आप निकलवा सकते हो गाड़ी की। 91,000 चली है सर। सेकंड, फर्स्ट ओनर सेकंड है? सेकंड ओनर है, ओनर सेकंड हो गया है। पेट्रोल प्योर? पेट्रोल प्योर। 91,000 चली हुई, बिल्कुल। क्या डिमांड रखी है? ये 65,000 रुपए की दे दूंगा, 65,000 रुपए में 2006 मॉडल। तो मतलब ये है कि अगर सीखने साखने के लिए आपको चाहिए, थोड़ा बहुत चलाने के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंजन ऐसा होगा कि अभी आप ले लद्दाख ले जाओ गाड़ी चला के, ऐसी गाड़ी है। इंजन और मैकेनिकली परफेक्ट है, ऐसी होगी आज भी। चलिए, एक्सीडेंटल नहीं है ना? एक्सीडेंटल की पूरी गारंटी हमारी, कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे 65,000 की ले लो तब भी गारंटी, 6.5 लाख की ले लो, जितने की मर्जी लो, पर गारंटी हमारी एक्सीडेंट की। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको। ये सेंट्रो दिखा दी आपको, और ये आ गई i10 नॉर्मल 2013 मॉडल है, मैग्ना मॉडल है, मैग्ना पेट्रोल में। पेट्रोल में, ओके। कितनी चल गई लगभग? ये 50 के आसपास है जी। ओके, पेंट इसमें बंपर है? हाँ, बंपर पेंट है, बाकी ओरिजिनल पेंट की कार है, पूरी ओरिजिनल है, ठीक है। फर्स्ट ओनर कार है, फर्स्ट ओनर है। तो मैग्ना में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फीचर्स तो आते नहीं है, नॉर्मल फीचर्स नहीं, सब कुछ होता है, चारों पावर विंडो है, ओके, पावर स्टीयरिंग है, एसी है, एसी है, यही चाहिए होता है इंसान को। डिमांड आपने क्या रखी है? ये 245 की बेस्ट प्राइस, 2,45,000 की पेट्रोल में। पेट्रोल, तो एवरेज भी अगर देखें तो मेरे ख्याल से 15-18 के बीच में आराम से आता है इसका, 18 के। हाँ जी, हाँ जी, लोकल में 15, लॉन्ग रूट पे 18-19 दे देते, आराम से आता है इतना। तो बहुत बढ़िया डील, दो शुरुआती वीडियो में। चलिए और दिखाते हैं आपको, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर, बलेनो खड़ी हुई, हमने पहले भी दिखाई थे, ब्लू कलर दिखाई, रेड दिखाई, कैसी बिक गई हो? बिल्कुल, जब आपकी वीडियो आई उसके अगले दिन ही गाड़ी चल गई, ब्लू वाली भी चली। 18 मॉडल थी और एक 19 थी उसमें, वो भी जेटा मॉडल थी, जेटा। अच्छा, ये क्या है आज? ये 2020 मॉडल है, ये 2020 है बिल्कुल। हाँ जी, ओके, मतलब 2500 किलोमीटर चली है, न्यू ब्रांड कार है, ओके, कोई खरोच नहीं, बिल्कुल न्यू कार के, न्यू की न्यू ले। 2500 किलोमीटर भी, तो पॉलीथीन भी नहीं उतरी है इसकी, एज इट इज लगी हुई है, एज इट इज। तो महीना कौन सा है इसका 2020 में? ये फरवरी का है, फरवरी का, तो 6-7 महीने पुरानी कार है। 4 महीने तो लॉकडाउन ही रहा है, 2 और 4, 6 महीने निकल गए, तो ये वेरिएंट, 2 महीने चली है। वेरिएंट कौन सा आता है? जेटा मॉडल है, जेटा, पुशबटन स्टार्ट, टॉप से नीचे वाला, सबसे टॉप आ गया अल्फा, अल्फा, अल्फा से नीचे जेटा। तो इसमें पुश स्टार्ट मिलता है, सब कुछ, अलॉय व्हील आते हैं, अलॉय व्हील, प्रोजेक्टर लैंप हो गई आपको, फॉग लाइट हो गई, अलॉय व्हील आते हैं, और सब कुछ है, मतलब कंपनी फिटेड। टच स्क्रीन स्टीरियो आता है इसमें? हाँ जी, और आपको स्टीयरिंग माउंट नेविगेशन, नेविगेशन। तो वाइट कलर है, सबसे डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कलर है। 2500 किलोमीटर चली है सर, फर्स्ट ऑनर ही होगी ये भी, टचिंग कुछ है नहीं इसमें। प्राइस आपने क्या रखा है? ये बेस्ट प्राइस है जी, 7 लाख रुपये। हाँ, बस बेस्ट है, बेस्ट है, मतलब 7 लाख रुपये बस। तो थोड़ा बहुत अगर कोई प्यार मोहब्बत करना चाहे तो टेबल पर हल्की फुल्की हो सकती है। नहीं, ये 7 हम बेस्ट बता रहे हैं, वैसे 7.5 कह देंगे, 7-10 कर देंगे, ओके, बेस्ट प्राइस है। नई कार में दरअसल हर बंदा सोचता है कि नई इतने की आ रही है, मैं 2-4 महीने पुरानी ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ कंसेशन हो। हाँ, तो करके ही है। कितने की आती है वैसे नई? है नई 8 के करीब है, 8 के करीब। चलिए, 6 महीने पुरानी गाड़ी आपको 1 लाख रुपये कम में मिल रही है। चलिए और बढ़ते हैं, एक और गाड़ी दिखा देते हैं। बलेनो व्हाइट कलर की दिखाई, अब ये दिखाते हैं, ये क्या डिटेल है इसकी? ये 2017 मॉडल है, डीजल में है,
ठीक है, और डेल्टा मॉडल है। इसमें सारे फंक्शन होते हैं डेल्टा में, मतलब कि इंसान को चारों पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एसी, लगभग उसकी सारी खूबियां इसमें बस है। अलॉय वगैरह नहीं आते, प्रोजेक्टर लैंप नहीं आती, पुश बटन नहीं आता, कीलेस एंट्री नहीं आती। ये चार पांच फीचर्स आपको अल्फा और जेटा में मिलेंगे। तो सर चली हुई कितनी है ये ओरिजिनल पेंट की कार है, 52,000 ओरिजिनल चली हुई है, सत्रह सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है इसका। अच्छा डीजल में इसका माइलेज मेरे ख्याल से 20 के ऊपर आएगा इसका। एक लीटर में 20 किलोमीटर आराम से चल जाएगी लोकल में, क्योंकि पेट्रोल वाली 18-20 निकाल देती है, तो ये 20 से ऊपर ही निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइस आपने क्या रखा? ये 6,25,000 रुपए की। तो अब आपको दिखा देते हैं मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी, यूथ की पसंद i20। क्या डिटेल है सर इसकी? ये 2017 मॉडल है। हाँ। और स्पोर्ट्स मॉडल है। पेट्रोल है? VT पेट्रोल। ठीक है। टोटल ओरिजिनल पेंट की कार है। ओके। और 11,000 किलोमीटर चली हुई कार। सिर्फ 11,000 चली? बिल्कुल बिल्कुल। सर्विस रिकॉर्ड हम निकलवा बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नंबर आपके सामने है, सर्विस सेंटर जाओ, इसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवाओ। अगर पाजी गलत बोलते हैं तो फिर पाजी से बात करो। बिल्कुल बिल्कुल। पाजी वैसे गलत बोलते नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी गाड़ियां दिखाई हैं मीटर में जो बोले गए, चाहे उसके 800 बोले गए, चाहे 8,000, चाहे 80,000, लेकिन मीटर वही निकला है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आपने लास्ट वीडियो डाली थी 800 किलोमीटर चली, 400 किलोमीटर भी दिखाई है मैंने, 400 किलोमीटर भी दिखाई है। उसके लिए लोगों ने बोला कि जी 7,00,000 मांग रहे हैं, तो नहीं ले लें हम जाके शोरूम पे। इग्निस दिखाई थी जो? हाँ जी हाँ जी, इग्निस दिखाई थी कि हम इतने की फिर नहीं ले लेंगे, वो कर लेंगे। पर जिसने लेनी है अगले दिन नेक्स्ट डे वो हमारे से 6-7 की कार ले ली उन्होंने, वो उसको ले गए थे। ले गए हमने 7 के आसपास, आई थिंक 7 मांगे थे हमने। हाँ, लेकिन जो बेस्ट रिगार्ड हो जाता है, देखो ऑन टेबल बैठ के बहुत कुछ हो सकता है। प्राइस जो बताए जाते हैं वो एक्सपेक्टेड प्राइस होते हैं, तो आप जब तक आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, डील नहीं करेंगे, सामने 1-8 लाख रुपए पाजी के सामने रखेंगे नहीं, जब तक पिघलेंगे कैसे? तो इनको पिघलाना भी तो है ना। पिघलेंगे जब ही जब आप सामने ऐसे करके रकम रखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम बेस्ट प्राइस पे ही डालते हैं, कोई ये नहीं है कि इतना नेगोशिएबल है। आप आके देखो कारें, बिल्कुल ठीक डील होगी। नहीं नहीं, गाड़ी अच्छी है। सर आपको कहीं फर्स्ट ओनर है? अभी फर्स्ट ओनर। 2017 स्पोर्ट्स VT पेट्रोल, इसकी प्राइस क्या रखा है? ये 580, सॉरी 580,000 रुपए की आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब एक और गाड़ी दिखा देते हैं, चड्डा मोटर पे खड़ी हुई है सियाज। सर क्या डिटेल है इसकी? ये 2016 मॉडल है, VDI मॉडल है। ओके। हाइब्रिड में है। ठीक है। ये 59,000 चली है ओरिजिनल। 2016 VDI मॉडल। हाँ जी। डीजल में आती है? डीजल में। आराम से 20 निकालती है एवरेज? हाँ जी हाँ जी, ये इसकी तो एवरेज 20 प्लस ही आती है। 20 प्लस ही आती है, लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है। सिडान, अगर किसी को गाड़ी लेनी है, थोड़ी लंबी गाड़ी का शौक रखते हैं, जो होंडा सिटी, वरना और कोरोला ऑल्टिस जैसी गाड़ी अगर सर्च कर रहे हैं तो वो इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इसमें VDI में हमें क्या क्या मिल जाता है? अलॉय व्हील आ गए इसमें। हाँ जी। स्टीयरिंग माउंट आ जाता है। हाँ जी। सीट कवर आ गए आपको। बिल्कुल। बहुत सारे फीचर्स हैं। प्राइस आपने क्या रखा हुआ है इसका? ये 6,75,000 रुपये की गाड़ी है। 6,75,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई डेंट पेंट तो नहीं है ना इसमें? नहीं, ओरिजिनल पेंट है, पूरा ओरिजिनल पेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कराने की जरूरत तो नहीं है। बम्पर पे हल्की सी पेंट है, बाकी गाड़ी टोटल ओरिजिनल पेंट की है। ओके ओके। चलिए अब आ जाते हैं स्कोडा रैपिड। है ये रैपिड? क्या डिटेल है इसकी? ये टॉप मॉडल में एलिगेंस मॉडल है। एलिगेंस हो गए। ठीक है। फर्स्ट ओरिजिनल पेंट है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है। वारंटी कार है, सर्टिफाइड है। ठीक है। और ये 4,75,000 रुपए की। 4,00,000। 2014 मॉडल। 2014 डीजल में है। डीजल चला कितनी दी है? 60 के आसपास है। ओरिजिनल पेंट है, बम्पर पे थोड़ी बहुत टचिंग है, क्योंकि दिल्ली में बम्पर तो बचते ही नहीं, आपको पता, रिक्शे वाला है। कुछ सर क्या है, मेजर कुछ ऐसा नहीं, मेजर पूरी गारंटी है, एक्सीडेंट की, पेपर वर्क की, सर्टिफाइड कार है, पूरी वारंटी रिपोर्ट देंगे आपको, उसकी सर्टिफिकेशन रिपोर्ट देंगे। ठीक है। टायर की कंडीशन भी काफी बिल्कुल न्यू ब्रांड। अलॉय व्हील इसमें भी आते हैं, प्रोजेक्टर लाइट इसमें भी मिल रही है, फॉग लैंप भी हैं। बाकी एलिगेंस से तो टॉप मॉडल रहता है। मैनुअल ट्रांसमिशन ये? हाँ जी मैनुअल। ठीक है। इसका डीजल पे क्या रहता है माइलेज? इसका भी 20 प्लस निकलता है। 20 प्लस ही रहता है। तो आपने क्या डील रखी है इसके? ये 4,75,000 रुपये। 4,75,000। अब आपको दिखा देते हैं एक और छोटी सी गाड़ी, हमने दो स्टार्टिंग में दिखाई, खत्म भी हम छोटी सी गाड़ी से करेंगे। ये कौन सी है सर? i10। i10 क्या डिटेल है? मैग्ना मॉडल है ये, 2015 है। ओके। UP 14 है। ओके। इंद्रपुरम का नंबर है, इधर वैशाली का। ठीक है। और फर्स्ट ओनर कार है। चला कितनी दी है? ये चली 60 के आसपास। 60 के आसपास। देखो मीटर को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। सिंपल फंडा है, नंबर है आपके पास, चेक कराओ, कुछ भी डाउट है सर से बात करो। बिल्कुल। क्योंकि मीटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना कम्प्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी अगर और भी अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी सर को भी कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट है। सर इसमें कितना हमने जो है
एक्सटेंट एक्सटेंट हो रखी है ये? नहीं नहीं, ओरिजिनल पेंट की है, साइडों में थोड़ा वो टचअप है, टचिंग हुई हुई है, ठीक है। और 2015 मॉडल है और ये सीएनजी में कार है। अच्छा, टायर इसके बहुत अच्छी कंडीशन के? हाँ जी, टायर बिल्कुल नए हैं। अगर इसकी थ्रेड देखोगे तो काफी अच्छी खासी थ्रेड मिलती है इसमें। सीएनजी तो इसमें बाहर से लगी होगी? हाँ, सीएनजी बाहर से लगी है और आरसी पे है, बुक पे है, बुक पे चढ़ी हुई है। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर 15 का आपने क्या रखा है प्राइस? ये 285। 285 है, लेकिन नेगोशिएबल है। ऑन द टेबल मैं बोलता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। सर अब एक चीज़ और बता दो कि इन पर लगभग सब पे हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2006 वाली को छोड़ के लोन सब पे हो जाएगा? 2006 पे नहीं होगा? नहीं होगा, वो तो सीखने के लिए या फिर भी घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो उसको ले जा सकते हो, गाड़ी इतनी अच्छी है, शानदार रफ एंड टफ गाड़ी है वो, रफ एंड टफ। तो सर अब जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो चड्डा मोटर के अंडर रूफ ही होता है या? हाँ जी, धक्के खाने हैं? नहीं नहीं, हम ही करा के देंगे आपको। आप करा के दोगे? हाँ जी, वो ट्रांसफर चार्जेस तो देखो सेम ही है, चाहे अच्छा, आप बड़ी कार ले लो चाहे हाँ, सेंट्रो कार ले लो, वो एक ही, वो तो एक ही लगने हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जितनी भी गाड़ियां हैं ये सारी गाड़ी आउट ऑफ दिल्ली आप ले जा सकते हो और इनकी NOC सबकी कटवा दी जाएगी, मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गारंटी वारंटी का सर हम क्या श्योरिटी देते हैं? आप कोई भी कार, छोटी कार लेते हो तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो छोटी कार पे 4000 प्लस टैक्स लगेगा एक साल, जो कार ट्रेड से आपको सर्टिफाइड मिलेगी कार वाले से। अच्छा, उसमें वो कवर क्या क्या करते हैं? इंजन और गियर बॉक्स, गाड़ी में मेन इंजन और गियर बॉक्स ही होता है। ठीक है, तो उसके लोगों को डाउट होता है कि इंजन ठीक निकल जाए मेरी कार का, तो मतलब इंजन में अगर कोई कमी आती है तो वो करवाएंगे, कंपनी फ्री में ठीक करके देगी आपको। ओके, तो भाई अगर आप 2-2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 4-6 हज़ार रुपये और खर्च कर लो, लेकिन आप सेफ भी रहोगे एक साल के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे चड्डा जी। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट और आज का स्टॉक। तो मैंने कोशिश करता हूँ आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस लाने की, बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस लाने की। देखिए प्राइस के लिए मैं बोलता हूँ, आप मेरे भाई बहुत सारे लोग लिखते हैं कि प्राइस महंगे हैं या सस्ते हैं या जो भी हैं। देखिए प्राइस का एक ऐसा मैटर है क्योंकि ये सेकेंड हैंड कार मार्केट है, इसकी कोई MRP नहीं होती। ये डिपेंड करता है गाड़ी की सिचुएशन क्या है, गाड़ी की फिटनेस क्या है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी होती है कि 1 लाख चली हुई गाड़ी है और बहुत सारी ऐसी होती है कि उसी ईयर की 10-15 हज़ार चली हुई गाड़ी है, तो इसलिए उस गाड़ी के प्राइस में अंतर आ जाएगा, चाहे वो सेम ईयर हो सेम वेरिएंट हो। तो एक बार मेरा मानना ये है कि आप एक बार फिज़िकली ज़रूर विज़िट करें। फिज़िकली आप विज़िट करेंगे तो आपको गाड़ी के एक्चुअल जो सिचुएशन है वो आपको पता चल जाएगी। तो बाकी अगर कोई भी मन में सवाल रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, हर समय मैं अवेलेबल होता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने की। तो बस आज का यही था वीडियो, विदा लेता हूँ आपसे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।